सो गाइज नमस्ते एवरीवन। यू नो गाइज, आज हम फिर से बात करने वाले हैं कंस्टिट्यूशनल डाओ यानी कि पीपल टोकन के बारे में। हालांकि ये एक मीम टोकन है, इथेरियम के इकोसिस्टम का ये पार्ट भी है और बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। 4 महीने पहले मैंने ऑलरेडी ये टोकन के बारे में वीडियो बनाया था और मैंने आपको अलर्ट कर दिया था कि भाई ये जो टोकन है आपको ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको थोड़ा डाउन देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। तो अभी आप हाइप के ऊपर बाई कर रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, वापस से ये टोकन ने हिस्ट्री रिपीट किया है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, 4 महीने पहले पीपल टोकन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था जो मैंने शेयर किया था, आप जाके भी देख सकते हो जो मैंने बोला है, क्या बोला है, वो सारी चीज़ें। बाकी इस प्राइस, ये जो प्राइस पॉइंट है ना, अभी 30% ये पंप हुआ है, 0.06021 के आसपास अभी चल रहा है डॉलर के हिसाब से। सबसे बड़ी बात जो है ना, चौंकाने वाली जो बात है ना, 4 महीने या 5 महीने अभी तक हो गए, ठीक है, होल्डर्स के अंदर सिर्फ 300-200 या 250 होल्डर्स की ही बढ़ोतरी हुई है। आप ये चीज मेरे को थोड़ा बहुत वो थोड़ा शॉकिंग लग रहा है कि सिर्फ 250-300 होल्डर्स में बढ़ोतरी जब होती है ना, तो जब मतलब ज्यादा हमको थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि भाई ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, राइट, बड़े इतने बड़े एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, बाइनांस हो गया, ठीक है, Gat.io हो गया, OKX हो गया है ना, MEXC, BitGet जैसे बहुत सारे बिंग एक्स जैसे एक्सचेंज के अंदर ऑलरेडी लिस्टेड है, फिर भी ये प्रोजेक्ट के अंदर क्यों होल्डर्स नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो गाइज, वैसे ही एक मीम टोकन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मीम टोकन को ज़्यादा हम रिलायबल नहीं मानते। हमको पता ही है कि मीम टोकन में जो पोर्टफोलियो होता है ना, 5% का ही हमको इन्वेस्ट करके सिर्फ उसमें गेम खेलनी है, प्रॉफिट हो जाता है ठीक है, नहीं होता तब भी ठीक है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा जो पैसे है ना, वही यहाँ पे हम डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ऐसे टोकन के अंदर। हालांकि सॉरी गाइस, ये मीम टोकन नहीं है, मैंने गलती कर दी कि मीम टोकन बोले, क्योंकि उसमें वॉल्यूम कम है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, इसलिए मैंने सोचा ये मीम टोकन, और बहुत सारे मीम टोकन के बारे में मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी बनाए हैं, है ना, तो ये आई थिंक मीम टोकन नहीं है। लास्ट टाइम भी मीम टोकन के बारे में मैंने वीडियो, हालांकि तो ये मीम टोकन नहीं है, इथेरियम के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है और कुछ ऐसा रिलेबल चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊँ कि भाई ये टोकन के पीछे क्या फंडामेंटल है, ऐसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है उनके वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, तो इसी वजह से। और दूसरी चीज़ जो सबसे नेगेटिव चीज़ जो मेरे को लगी कंस्टिट्यूशनल डाओ की, कि भाई ये ट्विटर के ऊपर एक्टिव नहीं है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा लास्ट फेब 9 के आसपास उसने 10 फेब के आसपास कहीं ना कहीं ट्वीट वगैरह किया था, राइट, उसके बाद आपको कोई ट्वीट नहीं देखने को मिलेगा ये प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये काफ़ी टीम है, ये पूरा आई डोंट नो क्या है, बट कुछ भी नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो 24 आवर जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम वो दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ यू नो बाइनांस जैसे एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, राइट। तो जो मेन चीज़ है ना गाइज, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट के अंदर, ये प्रोजेक्ट 2022 में आया था, उसके बाद वो पूरा नीचे आ गया था। ठीक है, और मैंने लास्ट वीडियो में ये वाला प्राइस पॉइंट आपको अच्छे से समझाया था कि भाई जितना वो पंप हुआ है ना, उतना वो थोड़ा नीचे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट 0.02 तक भी आ गया था। ठीक है, वापस से ऊपर गया, वापस से वो नीचे आया, वापस से यहाँ पे ऊपर आया, मे बी ये प्रोजेक्ट वापस से यहाँ से नीचे आए फिर से। ये एक उसका मतलब कंसोलिडेशन जोन, या फिर ये पूरा ऐसा जोन है जहाँ पे आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ से ये प्रोजेक्ट वापस से वो नीचे की तरह आने के लिए तैयार है। तो अभी भी सेम मेरा जो डिसीजन है ना ये प्रोजेक्ट के अंदर, सेम है कि भाई ये वाले पोजिशन में जब आता है तो डेफिनेटली आपको नहीं अभी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, राइट। ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला, ये प्राइस पॉइंट रिस्की है, काफ़ी रिस्की है, उसके बाद नीचे आ जाता है तो ये वाले प्राइस पॉइंट पे आता है 0.02। ये एक हेल्दी बाइंग हो सकती है ये प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, इफ़ यू वांट टू यू नो आपको बाय करना है तो। बाकी ये मीम टोकन नहीं है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा ये मीम टोकन है, ठीक है, ऐसा नाम है इसकी वजह से, राइट। तो कहने का मतलब ये इथेरियम के बना हुआ, ना कोई फंडामेंटल, ना कोई ऐसी चीज़ है ये प्रोजेक्ट के पीछे जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इथेरियम की इकोसिस्टम का पार्ट है और एज अ मार्केट कैप वो 238 के आसपास अभी चल रहा है कॉइन गैटको के ऊपर, ठीक है। तो एज अ मार्केट कैप की बहुत बड़ी मार्केट कैप हम बोल सकते हैं, इसकी वजह से ही मेरे को आपको वीडियो बना के आपको समझाना पड़ता है कि भाई देखो भाई ये प्राइस पॉइंट है, अभी इन्वेस्ट करोगे तो मतलब फंस जाओगे, ठीक है। ये वाला प्राइस पॉइंट होता तो मैंने बोलता कि भाई हाँ चलो ठीक है आप कर लो, राइट। तो ये चीज़ें आपको भी सीखनी है, समझनी है कि ये जो पर्सन बात कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ मैं फंडामेंटल भी चेक करता हूँ जहाँ से आपको आइडिया आ जाए कि भाई ये वाली प्राइस पॉइंट मतलब हायर है, मतलब ये जो
रेजिस्टेंस है ना, वहां पे आप बाई करोगे तो डेफिनेटली चांस ये है कि आप लूज करोगे। ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। वहां पे आप एंट्री लेते हो तो चांसेस ज्यादा है कि आप प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। तो समझना भी है, आप वापस ये प्रोजेक्ट नीचे आ जाए तब मैं वीडियो बनाने नहीं बैठूंगा, राइट। तब आपको समझ के एंट्री लेनी है। तो ये सारी चीजें समझ के बाद ही यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करो, और थोड़ा आप भी टेक्निकल एनालिसिस को देखो, समझो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच गाइज, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, या ये प्रोजेक्ट के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी जो अच्छी लगे। दूसरे यूट्यूबर के भी वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो, खुद का भी यहाँ पे दिमाग यूज करो, क्योंकि ये कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। ये मेरा जो भी मैं चीज़ समझता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।